दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राजवीर राज पुरोहित और यार आज हम कुछ खेलने नहीं वाले, आपके सवालों का जवाब देने वाला हूँ। और उसके साथ साथ इस वीडियो के अंत में मैं करने वाला हूँ फेस रिवील। उससे पहले कि क्यू एन ए स्टार्ट करें, मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सब ने पिछले साल के अंत में 31 दिसंबर को 50,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करवाए, यार शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा, पर आप सबके प्यार और सपोर्ट ने ही मुझे आज यहां पर पहुंचा है और आज हमारी जीजी फैमिली 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुकी है। यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और यार आप लोग ही इंस्पायर करते हैं मुझे हर बार। तो चलो यार, अब सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। और यार सारे क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए हैं पिक करने का और आपको उसके जवाब देने का। सो स्टार्ट करते हैं नंबर वन क्वेश्चन से। तो हार्दिक बी गेमिंग लिवरी क्रिएटेड, काफ़ी लंबा नाम रखते हो भाई, तो हम हार्दिक बी बुलाएंगे। हार्दिक बी पूछते हैं गुजराती में कि आप कहाँ से है गुजरात में से, गुजरात में सौराष्ट्र या फिर काठियावाड़ से है। तो यार मैं हार्दिक को जवाब देना चाहता हूँ यार कि मैं ना ही सौराष्ट्र का हूँ ना ही काठियावाड़ का, मैं सेंट्रल गुजरात का हूँ। हाँ यार, मैं अपनी सिटी का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करता, काफ़ी लोगों को पता होगा लेकिन यार काफ़ी को नहीं, तो बाद में मैं बताऊँगा अपने सिटी का नाम। हाल फिलहाल मैं अपने सिटी का नाम नहीं बताऊँगा लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि मैं सेंट्रल गुजरात में रहता हूँ। तो दूसरा सवाल ये रहा, एमटी गेम आरएक्स पूछते हैं आपका इंस्पिरेशन कौन है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि मेरा इंस्पिरेशन आप लोग ही है, आप लोग ही जो मतलब यार इंस्पायर करते हैं मुझे, यार ये बनाओ वो बनाओ, और यार मैं इंस्पायर होता हूँ आप सबसे ही। और मैं मतलब यार यही सोच रखता हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा जो है कॉन्टेंट दे पाऊँ, तो यही है इंस्पायर स्टोरी। और बाकी यार बाकी तो कोई है नहीं हमारे ऐसे इंस्पिरेशन स्टोरी में, तो यार बस बढ़ते आगे। डीपी सुतार पूछते हैं दो क्वेश्चन, आपने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया था, फ्री फायर साथ में कब खेलोगे। पहले क्वेश्चन का आंसर है, मैंने 2016 में अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था, पहला वीडियो डाला था। और रही बात फ्री फायर की, तो यार फ्री फायर मैं जैसे ही अपने कॉलेज वगैरह को कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद मैं ज़रूर फिर से फ्री फायर में आऊँगा। तो हिमेश पूछते हैं, हे ब्रो तुम क्या शुरुआत में फेल हुए थे, तुमने क्विट किया था क्या। तो यार इस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ, यस मैं फेल हुआ शुरू में, काफ़ी बार फेल हुआ। तुम जाके मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर ओल्ड वीडियोस देखना, अभी भी मैंने कोई भी वीडियोस हाइड नहीं किए, कई वीडियो पर सिर्फ 10 व्यू 40 व्यू थे और उस समय मुझे मतलब यार काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था क्योंकि मैं अपने छत पर जाता था, धूप में वीडियो अपलोड करता था, अभी भी कई बार मैं करता हूँ, पर अब थोड़ा जो है इंटरनेट व्यवस्था थोड़ी सही है, पर उस समय काफ़ी बुरी थी। और यार हाँ यार जो चीज़ है, हाँ गिरा हूँ कई बार लेकिन यार उठना भी जानूँ मैं, गिरा हूँ कई बार उठना भी जानूँ मैं, ऐसे हार मानूँ नहीं क्योंकि यार हार मानना मैंने सीखा ही नहीं कभी ज़िंदगी में। सो नरु गोपाल पूछते हैं, व्हाट वाज योर टारगेट व्हेन यू स्टार्टेड यूट्यूब। सो यार भाई मेरा स्टार्टिंग में कोई टारगेट नहीं था, मैंने सिर्फ मस्ती मजाक के लिए वीडियो अपलोड किया था। What is your age? मेरा एज 21 है। What is your next target? मेरा नेक्स्ट टारगेट अब 100 के है, 1,00,000 सब्सक्राइबर। आई होप मैं जल्दी से जल्दी अचीव करूँ, वो भी आपके सपोर्ट से, बिना आपके सपोर्ट के यार कुछ नहीं होने वाला। ओके ब्रो प्ले ETS 2, यार ज़रूर मैं खेलूँगा ये मैप। तो नीले पूछते हैं, भाई को मेरी तरफ से बधाई हो, भाई जान का फेस रिवील होने वाला है, शुक्रिया ब्रो। और क्वेश्चन ये पूछा है कि आप इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्री कहाँ से सीखते हो गेम प्ले के लिए। तो इसमें मेरा इंस्पिरेशन होता है टीवी
न्यूज़ मेनली मैं न्यूज़ काफ़ी देखता हूँ और उनके ही जो सारे वर्ड्स हैं मैं कॉपी करता हूँ। कई बार मैं दूसरे वीडियोस भी देखता हूँ तो उनके वर्ड्स मेरे दिमाग में रह जाते हैं और उन वर्ड से मैं खुद के जो है खुद के टाइप का एक अच्छा सा कमेंट्री लाता हूँ और मिक्सअप करके सारा न्यूज़ वगैरह और वीडियोज़ वगैरह देख देख कर मैं मतलब ये सारी चीज़ें सीखा हुआ हूँ। तो संध्या किशन पूछते हैं कि वेर आर यू फ्रॉम, तो उसका मैंने आंसर पहले क्वेश्चन में दे दिया, मैं गुजरात से हूँ, सेंट्रल गुजरात, और मेरा कोई रूम वगैरह है नहीं, सोई वगैरह है नहीं, बस मैं जैसे ही मेरा होता है मैं देखता हूँ कि तो होता है तो तब मैं आपको बताऊँगा, लेकिन हाल फिलहाल से कोई हमें इच्छा नहीं है कि कराए, लेकिन यार जैसे हमारे पास खुद का रूम होगा बस तब आपको बताएंगे। गेमिंग 20 पूछते हैं भाई जब व्यूज नहीं आते हैं तो डीमोटिवेशन को कैसे दूर करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर व्यूज़ कम आ रहा है यार मत टेंशन करो, व्यूज़ कम आ रहा है उसका रीज़न हो सकता है, पर यार हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, डेफिनेटली आपको व्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अपनी जो खराबी है उसे सुधारने की कोशिश करो और जैसे तुम करोगे वैसे तुम्हारे व्यूज बढ़ेंगे। दूसरी चीज शायद उसका रीजन SEO होगा तो तुम उस पर भी काम कर सकते हो, SEO के काफी ज्यादा वीडियोस तुम्हें YouTube पर देखने को मिल जाएंगे, उस पर जाकर जरूर देखो तो आपको पता चलेगा क्या होता है सारी चीजें, सो शायद आपको व्यूज गेन हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ओम पूछते हैं हाउ यू स्टार्टेड टू डू कमेंट्री। भाई यार सच बताओ तो कमेंट्री मैंने सीखी है धीरे धीरे करके, हर रोज़ खुद को इम्प्रूव करता गया और आज भी मैं हर रोज़ खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो है कमेंट्री करने की कोशिश करता हूँ अपने हर एक वीडियो में, तो हर रोज़ मैं खुद को इम्प्रूव करता हूँ और इसी वजह से मैं ये सीख पाया हूँ। और स्टार्टिंग में मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे ही रैंडमली बोलता था, जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला था तो उसमें मैंने जो है काफ़ी फालतूगिरी की थी सच बताओ तो, उस समय मैं मुझे आज भी याद है मैं सोफे पर बैठा था और पास में मेरी मम्मी मुझे अलग से कुछ बोल रही है क्या बना रहा है क्या कर रहा है, तो यार काफ़ी मतलब यार पहला वीडियो था और मुझे कोई आइडिया नहीं था यूट्यूब के रिलेटेड इतना ज़्यादा, तो उस समय मैं मतलब यार रैंडमली कॉमेंट्री करता था और धीरे धीरे सीखता गया और आज भी सीख रहा हूँ मैं। तो सेंथिल भाई पूछ रहे कि आपने बस सिमुलेटर इंडोनेशिया खेलना कब स्टार्ट किया था और आपको कैसे पता चला था उसके बारे में। तो यार रुको यार, मैंने कब स्टार्ट किया था देखते हैं अभी एक मिनट, मुझे जाके देखना पड़ेगा कि मैंने फर्स्ट बस सिमुलेटर इंडोनेशिया वीडियो कब डाला था। एक मिनट गेम गुरु जी, ओके ये रहा हमारा चैनल और हम अब यहाँ पर आ चुके हैं, मोस्ट पॉपुलर नहीं का नाम है, ओल्डेस्ट वीडियो हमारा है ये, सबसे ओल्डेस्ट 4 साल पहले का। उसके बाद जाने देते हैं नीचे आते देते हैं, कहाँ पर है ये रहा दोस्तों, हमने ये वीडियो डाला था फर्स्ट लुक, फर्स्ट वीडियो अभी भी ऐड आ रही है भाई, तो ये था 8 अप्रैल 2017। भाई साहब अभी 2 दिन पहले ही गया है, आज 11 अप्रैल हुई है दोस्तों, और 8 अप्रैल 2017 को मैंने अपना पहला वीडियो डाला था बस सिमुलेटर इंडोनेशिया का। तो जब मैंने पहला वीडियो डाला था उसी दिन से मैंने इस गेम को खेलना स्टार्ट किया। तो यार ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फनी है, आपकी कितनी जीएफ मुझे लगता है, तो यार मेरी कोई जीएफ वीएफ नहीं है, मैं ऐसी सारी चीज़ों पर पढ़ता ही नहीं हूँ और मुझे शौक भी नहीं है ऐसी सारी चीज़ों का। अगला सवाल सुमित गेन 2.0 से आता है कि भाई आपको ड्राइविंग क्यों अच्छी लगती है। भाई इसका जवाब यह है कि यार मुझे बचपन से जो है ट्रक और बस का काफ़ी शौक है, मैं अलग अलग ट्रक बस को मतलब यार जब भी देखता था यार क्या ही बात है, और रियलिटी ये है कि मुझे बचपन से जो टीवी शोज़ है जो
हिस्ट्री टीवी 18 पर आते थे, डिस्कवरी पर आते थे ट्रक के रिलेटेड, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थे और उसी सारी चीज़ों से मुझे ड्राइविंग काफ़ी पसंद थी। और यार बचपन से मुझे यार ये पसंद है ज़रूर ड्राइविंग, लेकिन रियलिटी ये है कि मुझे रियल लाइफ में, हाँ मैं गेम लाइफ में ड्राइव कर लेता हूँ ठीक ठाक, पर रियल लाइफ में मुझे ड्राइविंग नहीं आती, ना ही मैं बाइक ड्राइव करता हूँ, ना ही कोई कार, मुझे नहीं आती, मैं सीखता भी नहीं हूँ। मैं एक बार गिर गया था और उसके बाद मैंने सीखना बंद कर दिया है। तो ये तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। आयुष गेमर पूछ रहे एज नेम स्टेट, तो यार एज 21 है, ऐसे भी मैंने बता दिया है। कोरोना कब जाएगा? कोरोना जाएगा जब जाएगा, हाल फिलहाल तो उसका कोई जो है हमें पता नहीं है। वैज मैं साइंटिस्ट नहीं बन पाया हूँ अभी, मुझे यार अभी 5-6 साल और निकालने साइंटिस्ट बनने के लिए, तो अभी मैं साइंटिस्ट नहीं बना हुआ हूँ। पैट नहीं है मेरे पास, कोई पैट नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है। सो योर, अरे यार भाई ये सब बाद में ही करेंगे हम, और कितने क्वेश्चन योर इनकम। ओ भाई साहब यूट्यूब इनकम की बात है तो मैं यार इस वीडियो के अंत में ही मैं आपको बताऊंगा कितना, हिंट ही दूंगा वैसे, और मतलब रियल तो वैसे भी कोई यूट्यूबर नहीं बताता, तो मैं भी नहीं बताता क्योंकि ये अगेंस्ट है यूट्यूब गाइडलाइंस के, तो मैं रियल तो नहीं बताता का मतलब हिंट दूंगा कि उसके आसपास मेरी इनकम होगी। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। सीआर गेम्स पूछते हैं कितने साल के थे जब पहला जीटीए सीरीज, तो मैं 8 या 9 स्टैंडर्ड में था जब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था वो उसके घर पे जाता था मैं जीटीए खेलने के लिए, राज करके है उसका नाम, हाँ अभी तो वो यहाँ पर नहीं रहता, अभी वो राजकोट रहता है। तो यार उसी ने मुझे जो है गेम का चस्का लगाया और उसके बाद मैंने जो है गेमिंग करना स्टार्ट किया था। यूट्यूब पैसन है या लाइफ, ये तो अभी मैं नहीं बता सकता, मुझे भी नहीं पता नहीं यार मुझे क्या करना है, पर देखते हैं आगे इन फ्यूचर 2-3 साल में पता चल जाएगा। वॉट आर योर थाट? मुंबई गली यार वन ऑफ द बेस्ट गेम होने वाली है बाय इंडियंस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसका ट्रेलर है और उसकी थीम सॉन्ग भी काफ़ी बढ़िया है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये गेम, और एक इंडियन गेम होने के नाते मुझे तो यार गर्व होगा कि ये गेम जो है जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाए। यूट्यूब और पार्ट टाइम में कोई काम करते हो या करोगे? और यूट्यूब और पार्ट टाइम में भी मैं अभी हाल फिलहाल तो यूट्यूब को पार्ट टाइम एज ए लूँगा। आई होप मैं क्वेश्चन को समझ पाए सही ढंग से। फेवरेट आउटडोर स्पॉट फुटबॉल और क्रिकेट दोनों, जो बैन होगा उनके लिए तो यही मैसेज है भाई यार पबजी वालों, अब यार घर पे सब्जी बनाना शुरू कर दो, पबजी खेलना बंद कर दो यार, अभी भी काफ़ी लोग खेलते हैं मुझे पता है, और मोबाइल वर्जन ही खेलते हैं। ठीक है यार आप पीसी वर्जन खेल रहे हो तो खेल सकते हैं क्योंकि वो कंपनी का है दूसरे कंपनी का, पर यार फिर भी आप जो है मोबाइल वर्जन खेलते हैं तो क्या ही कहेंगे यार ऐसे लोगों को। साहिर पूछते हैं कि जब आपके 20,000 सब्सक्राइबर हुए थे आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? वैसे मेरी फैमिली का कोई रिएक्शन नहीं था, मैं ग्रो धीरे धीरे इस मेनली लॉकडाउन में मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर पाया हूँ अपने चैनल को, और बस यार उन्हें पता था कि हाँ यार ये यूट्यूब कर रहा है और कुछ कमा रहा है थोड़ा बहुत, तो यही चीज़ है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो राकेश पूछते हैं कि अगर मैं बस सिमुलेटर आईडी के मोड को, हाँ भाई मीडिया फायर का अगर तुम दे रहे हो तो कोई जो है मोनेटाइजेशन कैंसिल जो चैनल का है वो बंद नहीं होगा, वो मोनेटाइज होगा कोई बात नहीं है उसमें। आपका इंस्पिरेशन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है और फेस रिवील अभी इस वीडियो के अंत में मैं करने वाला हूँ। तो यार सुप्रतीन पूछते हैं कि When you upload your first video to YouTube, वो था 16 अक्टूबर 2016। Inspiration मुझे mostly इस वीडियो के starting में ही बताया आप सबसे ही मिलती है यार, और इस वीडियो के अंत में मैं face reveal करूँगा। सवाल नंबर 4 तो काफ़ी मुश्किल है लेकिन देखते यार जब मुझे जो है टाइम और साथ ही साथ
डेटा मिलेगा तब हम ज़रूर फेस रिवील के साथ, फेस कैम के साथ जो है लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो रोहित पाटिल पूछते हैं, भाई तुम्हें सिमुलेटर गेम का शौक कब से है? मुझे सिमुलेटर गेम का चस्का जो है बचपन से लगा हुआ है। बचपन से मैं सिमुलेटर गेम्स ज़्यादा खेलता हूँ कंपेयर टू दूसरी GTA वगैरह। वैसे GTA में भी जो है ड्राइविंग वगैरह में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मतलब यार सिमुलेटर गेम्स का शौक तो मुझे बचपन से ही है। तो RK गेमर प्रदीप पूछते हैं, भाई आपको कौन सा कमेंटेटर पसंद है? तो यार मुझे आकाश चोपड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे बेस्ट फ्रेंड मेरे दोस्त काफ़ी लोग हैं, काफ़ी दोस्त है, और बेस्ट फ्रेंड तो मेरा एक ही है धवल करके है। आपका पेट नेम? मेरा पेट नेम है चिंटू। और आपका फेवरेट कमेंट वाले मेरे तो जितने भी, इस सवाल को मैं एग्जैक्टली पकड़ नहीं पाया हूँ कि क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अगर मतलब मेरे वीडियो के अंदर कमेंट वाले हैं तो मेरे लिए तो सभी फेवरेट है मेरे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। प्रणव कहते हैं, भाई यार तुम मोटिवेट वीडियो डालो। तो यार भाई प्रणव तू कर सकता है, मुझे पता है कि तू यार आराम से इस एग्ज़ाम में, बोर्ड की एग्ज़ाम होगी तेरी, तो तू आराम से 90 के ऊपर लाएगा। बस तू मेहनत कर, फोकस कर अपने स्टडी पर, और यार तू अंत में एक अच्छे नंबर से पास हो ही जाएगा, मुझे विश्वास है। तो यार इंस्टाग्राम में से मीत पटेल पूछ रहे, भाई तुम कौन से स्ट्रीम में हो और मतलब यार कौन सा कोर्स कर रहे हो? तो मैं अभी MSc मास्टर्स ऑफ साइंस कर रहा हूँ, और मतलब ये 2 महीने में, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि PhD करूँ, लेकिन देखते यार दो चीज़ ऑप्शन है, या फिर जॉब या फिर PhD, तो दोनों में से एक हो सकता है। तो ये हमारे Q&A सेशन का आखिरी सवाल होगा। वैसे आप सबको पता होगा कि जो वीडियो है ऑलरेडी बहुत लंबा बन चुका है, तो मैं और लंबा नहीं करना चाहता। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस है जो मैंने नहीं पिक किए, बुरा मत लगाना, लेकिन यार हमारे पास समय की काफ़ी कमी थी और कईयों के क्वेश्चंस जो है सिमिलर थे तो मैंने पिक नहीं किए। तो यहाँ पर रॉयल गेमिंग बॉय पूछते हैं, अर्निंग कितनी होती है? यार अर्निंग का सवाल काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये मैं बोलूँ तो यार गेमिंग चैनल में अर्निंग काफ़ी कम होता है, और अगर आपका जो है व्यूज़ भी कम आते हैं तो यार आपका समझ लो कि यार अर्निंग भी काफ़ी कम होगा। तो मेरे व्यूज़ और अर्निंग के हिसाब से मैं बोलूँ तो यार मेरे मंथली अर्निंग इतनी भी नहीं है कि मैं एक छोटा सा डब्बा वाला फ़ोन ले लूँ, उससे ज़्यादा नहीं है भाई। और हम एग्जैक्ट आंकड़ा मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता एज़ YouTube गाइडलाइन, पर यार इतनी है, लमसम मैंने आपको बता दिया कि इतनी होती है। पर फिर भी एक चीज़ है, मैं अर्निंग के पीछे अभी हाल फिलहाल यही सोचता हूँ कि अर्निंग से बेहतर है कि मैं आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूँ। मुझे शौक है, मैं वीडियो बनाता हूँ। शौक एक ऐसी चीज़ है जिसे मतलब यार बिना पैसों के करोगे ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, इन द सेंस कि यार कम पैसे मिल रहे फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। हाँ कई बार ऐसा सोचता हूँ कि यार क्यों ऐसा होता है, लेकिन यार हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ कि यार भले अर्निंग कम है लेकिन मैं लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं यही सोच रख के ही YouTube पर वीडियोस बनाता हूँ, वरना मैं कब का बंद कर दिया होता चैनल अपना। तो शुक्रिया गाइस, आप सब ने जो है काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे, और आप सबके आंसर भी मैंने आई होप आपको दिए होंगे। किसी के अगर क्वेश्चंस पिक नहीं हुए तो माफ़ कर देना मुझे, पर हम नेक्स्ट टाइम अगर Q&A करेंगे तो ज़रूर आप सबके क्वेश्चंस जो है हम लेंगे। अब आई बारी फेस रिवील की, तो चलिए देखते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।
भाई नहीं। पर यार मैं इतनी आसानी से अपना फेस नहीं दिखाता किसी को। अबे साले तभी नॉट इवन अपने टीचर्स को मैं अपना फेस दिखाता हूँ इतनी आसानी से। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो क्लास में जाता ही नहीं। ओह नो ठीक है आप देखना चाहते हो मेरा फेस? रुको आहा बहुत चंगा ना मैं। तो यार कैसा लगा मेरा फेस? अभी सही से नहीं दिखा होगा ना आपको, जैसे कोई चोर है, चोर को पुलिस ले जाती है, ऐसे मैंने ये पहना हुआ है। सो दोस्तों ये रहा जी 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 हाँ मैं हूँ राजवीर राजपुरोहित। क्या करूँ मैं मर जाऊँ? गेम गुरु जी। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो। और हाँ मेरी आपको सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई, मैं कौन हूँ, कहाँ पर रहता हूँ, क्या करता हूँ, और YouTube इनकम तक मैंने इस वीडियो में बताई आपको कि कितना तक मैं कमा सकता हूँ, कमाता हूँ ऑलमोस्ट, कितना कमाता हूँ। सो यार बस आज के लिए वैसे थोड़ा बहुत नर्वस हूँ आज के पहले वीडियो में, और मतलब यार नर्वसनेस दिख ही रही होगी मेरे चेहरे से। हाँ यार दिख रही होगी यार माना। तो यार ये जो मास्क है ना ये मास्क कभी हटेगा नहीं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, हैवी वाला कोरोना चल रहा है। अरे तमता बड़े है अभी ड्राइवर भाई। तो यार ये मास्क कब उतरेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये मास्क जो है 1 लाख सब्सक्राइबर, 100K सब्सक्राइबर, 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद उतर जाएगा, और उसके बाद ऐसे करके मैं उतार दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। अभी ये वक्त नहीं, इसका एक सही वक्त आएगा, उस समय मैं आपको अपना ये मास्क, प्यारा सा मास्क जो है उतार कर बताऊंगा कि असल में मैं दिखता कैसा हूँ। लेकिन यार तब तक आप वेट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर आप चैनल को जरूर फिर से कहता हूँ यार सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का लाइक एम थोड़ा बड़ा है मेरे लिए तो, पर आई होप आप करवा देंगे 1000 लाइक। सो आई होप आप करवा देंगे। सो शुक्रिया, टाटा बाय बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।